एवरीबॉडी, आप सब लोगों के लिए लेट्स सिंग सम लाइंस. मेरा गाना अफगान जले, कुछ लाइंस आपके लिए गाता हूँ. अफगान जले भी माशूक फरे भी घायल है तेरा दीवाना भाई वाह भाई वाह. ओके, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल INN24. नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर. आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ. कोरबा पहुंचे प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल. ज्योत्सना महंत के नामांकन रैली में की शिरकत. डॉक्टर महंत और जय सिंह समेत दूसरे नेताओं ने लिया हिस्सा. भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को बताया कमीशन खोर. खरसिया के किराना व्यवसायी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर दिन दहाड़े लूट. व्यापारियों में दहशत का माहौल. ठबरा थाना क्षेत्र के गोबरा कटे कोनी नहरपारा मार्ग का मामला. और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 9,84,000 रकम. ऑब्जर्वर की गाड़ी को ठोकर मारकर भागने की कोशिश कर रहा था व्यापारी. पुलिस ने जब्त रकम को आयकर विभाग को सौंपा. कांग्रेस की कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत के नामांकन दाखिले में शहर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि पहले की सरकार कमीशन खोरों की सरकार थी, जिन्होंने प्रदेश की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है. सीएम ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने पर उन पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि उन्होंने यह कर्ज किसानों का कर्ज माफ करने के लिए लिया है. किसानों को 2500 समर्थन मूल्य देने के लिए, बिजली बिल हाफ करने के लिए सरकार ने यह कर्ज लिया है, ना कि कमीशन के लिए. सीएम भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल भी पूछे. सीएम ने कहा कि यहाँ के लोग बताएं कि क्या उनके अच्छे दिन आ गए, क्या उनके खातों में 15-15 लाख रुपए आया. सीएम ने पुलवामा में हुए हमले पर भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया. छत्तीसगढ़ की धरती हमारे कुछ वीरों सपूतों की धरती है. आदरणीय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, भूपचंद बघेल जी, आदरणीय छेरीलाल बरिश्कर जी, बिसाऊ दास महंग जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, पंडित विद्याचंद शुक्ल जी, श्यामाचंद शुक्ल जी और इतने महान पुरुष, इतने महान नेता इस प्रदेश में हुए. हमारे बिरसा मुंडा जी, साथ में अपने जितने भी घास गुरु घासीदास जी, मिनी माता जी, सब ने इस प्रदेश में सेवा की और आज इस कोरबा की धरती पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी पधारे हैं. आपने इस बात को महसूस किया होगा कि इस पिछले 3 महीना में कितनी तेजी के साथ बड़े बड़े निर्णय लिए गए. इस प्रदेश की सरकार ने वो निर्णय लिए, उनका क्रियान्वयन किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों में न निर्णय ले पाई, सिर्फ घोषणा करके चले गए. हम लोग जब भी चुनाव में आते रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव में जयराम भैया के लिए समर्थन मांग लेके आते रहे हैं. ये पहली बार है जब भैया को छोड़कर भाभी के लिए समर्थन मांगने, वोट मांगने आए हैं. और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, भैया तो बहुत स्नेह करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, सलाह भी देते हैं और काम भी बताते हैं, लेकिन भाभी जी हमेशा स्नेह देती रही है, भोजन भी कराती है, नाश्ता भी कराती है, चाय का भी ध्यान रखती है, आने जाने की व्यवस्था भी करती है. मैं समझता हूं कोरबा का ध्यान और सेवा चरण भैया ने खूब किया है, लेकिन उससे भी बढ़कर ज्योत्सना भाभी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. सवाल नंबर 4,
काकर का कर अच्छा दीना है। सवाल नंबर 5, नरेंद्र मोदी जी बताने लगे कि नोटबंदी में देश में 70 आदमी बेरोजगार हुई से। सवाल नंबर 6, ये जीएसटी में कौन कौन लोग फायदा हुए से। सवाल नंबर 7, बिना बुलाए थे पाकिस्तान का वर्गे नवाज शरीफ के बिरयानी खाए थी, केक खाए, उन्हें कहा मिले इसी तेल बताए लगी। सवाल नंबर 7, पुलवामा में ये घटना घटी, 1 घंटा के भीतर में हमारे नेता राहुल गांधी जी मीडिया के सामने आते और कहते कि जिन जवान शहीद हो परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े है। बतौर संपादक ग्राम यात्रा पालिका के जिला शाखा कार्यालय का उद्घाटन करने कोरबा पहुंचे प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल ने कहा कि वह बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रदेश के साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया कि उन्होंने गलत तरीके से टिकट वितरण करते हुए पैराशूट प्रत्याशियों को टिकट का वितरण किया है। उन्होंने चुनावी नतीजों का अनुमान लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में करीब 4 सीटें हार रही है, जिनमें कोरबा की सीट भी शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने दबाव में आकर टिकटों का वितरण किया है। उनका यह भी मानना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी इन दिनों पीएम मोदी के समर्थकों से घिरे हुए हैं और उन्हीं के इशारे पर कमजोर उम्मीदवारों की घोषणा हुई। नंद कुमार बघेल ने कोरबा नगर निगम के निर्दलीय पार्षद कृपाराम साहू को कोरबा लोकसभा के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार घोषित कर दिया। पूरे देश में बाबू जी और दादा जी में अंतर है, तो एक नाम चलना चाहिए, दादा नंद कुमार बघेल, ठीक है, दादा जी से संबंधित करें। दूसरा ये है कि आज बहुत 2 ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। एक ये है कि ग्राम यात्रा का ये उप कार्यालय रायपुर मेन कार्यालय है और कोरबा है उप कार्यालय, तो आज मैं घोषणा करता हूँ कि इनको मैं छत्तीसगढ़ का प्रमुख संवाददाता ग्राम यात्रा का घोषणा करता हूँ और मेरे अंडर में ये काम करेंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर का संपादक हूँ। इसमें हमारा मूल मकसद ये ग्राम यात्रा का कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, 2 दलीय शासन व्यवस्था लाना, चिल्लर छोटे छोटे दल हैं उसका मर्ज करना और 2 दलीय व्यवस्था रहे। तीसरा मुद्दा है कि धर्म जो है वो संवेदनशील, जो सीता को जला दिए वो धर्म नहीं है, विदेशी जुआ खेला वो धर्म नहीं है, जुआ खेलकर अपने भाइयों को हार गया वो धर्म नहीं है। हमारा धर्म वैज्ञानिक हो, न्याय संगत हो और दुनिया में वो पूजा जाए। तीसरा जो मुद्दा है कि इस देश को दुनिया का गुरु बनाना है। बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। नक्सलवाद क्षेत्रों में चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है। नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। दरअसल बाहर से ही कई कंपनियां चुनाव कराने पहुंच चुकी है। एसपी डी श्रवण ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। बस्तर लोकसभा में 721 मतदान केंद्र है, जिनमें 93 संवेदनशील और 178 अति संवेदनशील है, जिसको लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग व्यवस्था तेज कर दी गई है। हमारा अभी आने वाला लोकसभा के अंतर्गत चुनाव के अंतर्गत हम लोग पूरा सुरक्षा के लिए हम लोग का पूरा डिप्लॉयमेंट प्लान और सिक्योरिटी प्लान बना रखा है। हमारा पूरा टोटल 721 मतदान केंद्र है, जो अपना 3.5 विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें लगभग 93 आपका हाइपर सेंसिटिव के कैटेगरी में आता है और 178 सेंसिटिव की बनी रहती है।
तो ये सारे जगह पे हम लोगों का जो अर्सेन का CPMF जो लड़ा किया गया है चुनाव आयोग के अंतर्गत, उन सब लोगों का एक डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत उन लोगों को ये किया गया है। साथ ही साथ जो चुनाव के समय हमारा रोड्स बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो रोड्स के अंतर्गत रेगुलरली हम लोग अपना डिवाइनिंग और रोड्स का RSO के अंतर्गत हम लोग किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों का एक वॉलंटियर्स भी पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हम लोग 621 लोगों का एक वॉलंटियर का ग्रुप बनाया, तो वो लोग भी एक्टिवली अपना अपना थाना क्षेत्र में रोड्स को सिक्योर करते हैं। तो ये सारे के द्वारा हम लोग का ऑपरेशंस जो अपना DRG और STF के द्वारा वो भी किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक मत हो जाएगा और शांतिपूर्वक से ये चुनाव संपन्न होगा। दरभंगा कोलिंग क्षेत्र में पिछले बार भी लगभग 76% का वोटिंग हुआ है, जो पिछले चुनाव मतलब 2013 का अपना विधानसभा के द्वारा वहाँ पे सिर्फ 33% जो है वोटिंग हुआ है, तो लगभग 45% वोटिंग बढ़ा है। बाजार के खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिनमें जिला कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए दशहरा मैदान के पास समाप्त हुई। इस रैली में मुख्य रूप से सहकारी समिति के कर्मचारी, विक्रेता समिति, उप पंजीयक नोडल अधिकारी, बैंक व फूड इंस्पेक्टर और खाद्य विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारी एवं महिला समूह के सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य जनता को मतदान करने के लिए जागरूक करना था। पूर्व सांसद करुणा शुक्ला ने राजनांदगांव प्रेस क्लब भवन में पत्रकार वार्ता ली। करुणा शुक्ला के साथ शहर अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा भी मौजूद थे, साथ ही कांग्रेस के आला नेता भी इस वार्ता में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस बहुत ही उत्साह में है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में 90 में से 68 सीट मिले। अपनी जीत को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें पूर्व सांसद करुणा शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा और कहा कि रमन सिंह अपनी पार्टी को बचाए या अपने दामाद को, और रमन सिंह अपने बेटे अभिषेक सिंह की टिकट भी नहीं बचा पाए, उनको लोकसभा टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी श्री राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों का कर्जा माफ हुआ है और पेंशन की राशि बढ़ी है, बिजली बिल हाफ हुआ है, उसी तर्ज पर देश में जो गरीब हैं उनको न्यूनतम उनकी आय 12,000 होनी चाहिए, ये योजना की उन्होंने घोषणा की है और पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। देश में गरीबी कम हुई है पर समाप्त नहीं हुई, और राहुल गांधी जी इस देश से गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं। आज रमन सिंह जी की 15 साल के मुख्यमंत्री के बाद ये हालत हो गई है कि रमन सिंह जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस किस को कहां और कैसे बचाएं। भारतीय जनता पार्टी को बचाएं, खुद को बचा नहीं पाए, मुख्यमंत्री का पद चला गया, जीत भी हुई तो 16,000 से हुई, बेटे का लोकसभा का टिकट चला गया। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो रहा है, 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है, तो रमन सिंह जी की हालत यह है। और दामाद को बचाएं, दामाद जो DK हॉस्पिटल में सामान की खरीद फरोख्त में भर्ती में उन्होंने जो 50 करोड़ के से ज्यादा का घपला किया है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी दामाद को बचाएं कि बेटे को बचाएं कि खुद को बचाएं कि भाजपा को बचाएं, इसी ऊहापोह में जी रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही चेकिंग में राजनांदगांव की चिखली पुलिस ने चवेली के समीप एक वाहन चालक के पास से 9,84,500 रुपए बरामद किया है। पकड़ाए आरोपी रकम के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने जब्त रकम को आयकर विभाग को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि चार पहिया वाहन में बालौद निवासी विकास बाफना और एक अन्य सवार थे। रोड पर एक स्कॉर्पियो ने लोकसभा ऑब्जर्वर की गाड़ी को ठोकर मारकर तेज गति से निकलने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने पॉइंट लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इस बीच पुलिस टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो को पकड़ने में कामयाब तो हो गई,
वहीं इसी गाड़ी की आड़ लेकर चार पहिया वाहन भी पुलिस से बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बीच पुलिस ने पीछा करते हुए चवेली के पास वाहन चालकों को पकड़ा। इस मामले में चौकी प्रभारी लाल मुनई ने बताया कि मामले की जांच आयकर विभाग करेगा, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये चवेली के पास में कंट्रोल से पता चला कि चवेली के पास में ऑब्जर्वर की गाड़ी को स्कॉर्पियो क्रमांक CG08Z18 सहित ठोकर मार करके नागांव की हो रही आ रही है। उस पॉइंट पर चेकिंग लगाई गई थी। स्कॉर्पियो के जस्ट पीछे पीछे एक हुंडई कार आई जिसका नंबर है CG07MB1386 और उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागा। गाड़ी को विकास नाम का ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी को भगा दिया था। जो 500 गज की दूरी पर उज्जवल स्टील दुकान है वहाँ जा करके अब गाड़ी को स्लो किया ड्राइवर, उसमें से शुभम जैन नाम का लड़का उतर करके दुकान की ओर एक बैग लेकर भागा। जिसको पकड़ा गया था उसके पास से 9,84,505 रुपये जब्त किए गए हैं। धारा 102 के तहत जब्त उस पैसे के विषय में उनको पूछा गया तभी किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं पेश किया गया। मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि होली का पैसा पेमेंट करने आए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए I9 24 पर। दुपट्टा कलेक्शन, नया शोरूम, नए अंदाज में नया कलेक्शन, नई उमंग के साथ आपकी सेवा में। कोरबा शहर का एकमात्र पाम मॉल में नए शोरूम में हो रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। हमारे यहाँ नई वैरायटी, नया कलेक्शन, शरारा, गरारा, लहंगा चुन्नी, ड्रेप साड़ी, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, इवनिंग गाउन, फैंसी कुर्तियाँ, सूट पीस, वन पीस इत्यादि की विशाल रेंज किफायती दर पर उपलब्ध है। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर पाम मॉल कोरबा, मोबाइल नंबर 8109568426 और 7828637778। मुरली केक एंड बेक, आपका जाना पहचाना नाम, शुद्धता और स्वाद का अचूक मिश्रण, स्वाद ऐसा कि रिश्तों में भर दे मिठास, आपका विश्वास ही हमारी कामयाबी है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण एवं थोक व चिल्हर विक्रय किया जाता है। ड्राई केक, कपकेक, पेस्ट्री, बर्गर बेस, पिज्जा, बिस्किट, कुकीज, मिल्क ब्रेड, बटर ब्रेड, फ्रूट केक, आलू पेटीज, पनीर पेटीज, टोस्ट। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, आपके कार्यक्रमों में चार चांद लगाए, ऑर्डर पर अपनी पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक किसी भी डिजाइन एवं साइज में उपलब्ध है। हमारा पता है बिलासपुर रोड गोपाल पेट्रोल पंप के आगे कटघोरा, मोबाइल नंबर 8462825855। कोरबा के लोगों का खान पान से एक अलग ही रिश्ता है। वो जानते हैं कि खाने में क्या खाना है और खाने के बाद क्या खाना है, इसलिए तो हैव मोर लेकर आया है आपके शहर के जायके को पूरी तरह से बदलने ताजे इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश आइसक्रीम। जी हाँ, अब शहर के पहले शॉपिंग मॉल पाम मॉल में देश के सबसे बेहतरीन आइसक्रीम निर्माता हैव मोर की आइसक्रीम की अलग अलग वैरायटी, जहां आप ले सकेंगे लाइव आइसक्रीम का मजा। इसके अलावा आइसक्रीम स्कूप, हॉच पॉच, आइसक्रीम केक्स, मिल्क शेक और रेट्रो कोल्ड कॉफी और इसके अलावा बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही पूरे परिवार के साथ उठाइए आइसक्रीम के अलग ही दुनिया का मजा। हैव मोर आइसक्रीम, पॉम मॉल, शॉप नंबर 240, सेकंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, क्योंकि कोरबा जानता है खाने के बाद क्या खाना है। आपका जाना पहचाना नाम लिबास बुटीक, एक्सक्लूसिव ड्रेस मटेरियल, इंडो वेस्टर्न वियर, वन पीस, डिजाइनर दुपट्टा, स्कर्ट टॉप, कुर्तीज, लेडीज वियर एवं गर्ल्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला। पंजाब का पटियाला हो या जयपुरी लहंगा चोली, गुजरात की घाघरा चोली हो या आसाम की मशहूर मेखला सादुर अनारकली सूट, इन सब की भरपूर रेंज। अभी खरीदी करने पर पाएं 20% की भारी छूट एवं 5,000 की खरीदी पर 500 का कूपन मुफ्त, और पाएं फेस्टिवल एवं शादी की खरीदी पर विशेष छूट। हमारा पता लिबास बुटीक, SS प्लाजा, कोरबा, मोबाइल नंबर 9755 34
7222। घबरा थाना क्षेत्र के गोबरा कटेकोनी नहरपारा मार्ग में खरसिया निवासी कमल अग्रवाल किराना व्यवसायी से लुटेरों ने उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया, जिससे व्यापारी बाइक से गिर गया। उसके पास रखे बैग जिसमें 73,000 नगद रखा हुआ था, 73,000 रुपए नगद और मोबाइल लूटकर प्लेटिना मोटर बाइक से ले भागे। व्यवसायी ने बताया कि लुटेरे 4 लोग थे, मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन मुझे नहर में धक्का मार कर भाग गए, जिसकी सूचना ढबरा थाने में दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ढबरा थाना प्रभारी विवेक पांडे अपनी पूरी टीम के साथ व्यवसायी को साथ बैठा कर मौके वारदात पहुंचे। फिलहाल लुटेरों को पकड़ने के लिए आसपास के थाना क्षेत्र को सूचित किया जा रहा है और लुटेरों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मैं कमल अग्रवाल किराना व्यवसायी कलेक्शन हेतु गोबरा बस्ती से कटेकोनी जा रहा था, तो 4 लड़के रास्ते में कटेकोनी नहर पार पर मेरे आंखों में मिर्चा फेंक कर मेरा बैग लूट कर फरार हो गए। कितनी राशि थी, क्या क्या लेके? 73,000 रुपये थी सर। और साथ में क्या लेके गए? बैग, मोबाइल और गाड़ी की चाबी। खरसिया का किराना व्यवसायी थाना डबरा आज दिनांक 28/3/2019 को उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो नहर के रास्ते से बड़े कटेकोनी, छोटे कटेकोनी और गोबरा में पैसा वसूली करने के लिए आया था। 3-4 जगह से कुल 73,000 रुपये वसूली किया था। 4 व्यक्ति नहर रोड में उसका रास्ता रोककर मिर्ची पाउडर छिड़क के उसका पैसा से भरा बैग, उसकी मोबाइल छीन कर भाग गए और वो गिर गया तथा कुछ लोगों की मदद जारी है। चारों तरफ नाकेबंदी लगाया गया है सरहदी जिलों में भी, और मोबाइल लोकेशन के लिए टावर डंप वगैरह निकाला जा रहा है। यथाशीघ्र मुलजिम पकड़ने की संभावना पुलिस बल द्वारा। ग्राम पंचायत जामडी पुलिस चौकी लवन के निवासी कर्ज से परेशान सरपंच प्रतिनिधि केशव वर्मा ने बबूल के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक केशव 27 मार्च को घर वालों को बिना बताए रात्रि में एक मोटरसाइकिल लेकर निकल गया था। ग्राम धोबनी डी के कुछ ग्रामीण दिशा मैदान के लिए सुबह नर्सरी पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति बबूल की पेड़ पर फांसी लगा लिया है, जिसकी जानकारी पुलिस थाना भटगांव को दिया गया। वहीं भटगांव पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों की तलाश में जुट गई। कुछ ही समय में मृतक की पहचान जामडी पुलिस चौकी लवन का सरपंच प्रतिनिधि केशव वर्मा के रूप में हुआ। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट व एक दुकान का 11,91,000 प्रिंटेड तगादा नोटिस भी पुलिस ने बरामद किया है। भटगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पंचनामा कर पीएम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है और विवेचना में लेकर कार्रवाई कर रही है। किसी ने फोन करके बताया है, कोतवाल के जैसे ना, हमारे कोतवाल है ना वहाँ पर, किसी के मोबाइल नंबर पर आया तो मेरे घर आया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, बात करो, फोन आया करके तो साहब लोग उठाए थे, यहाँ से फोन किए थे तो बता रहे थे आप कौन हो। मैं बताया तो इस नंबर का गाड़ी जानते हो, मैं मेरे भैया का गाड़ी है, नंबर का आदमी का यहाँ पे ऐसा कुछ बताया। रात भर घर नहीं आया तो आप लोगों ने पता साझी की? हेलो सर, रात भर घर नहीं आया तो पता साझी, तो सर जी मैं कीर्तन गाने के लिए चला गया था, वहाँ से 2-3 बजे रात को आया, मालूम नहीं मैं बैठा नहीं हूँ। किसी प्रकार की आशंकाएँ हैं आप इस घटना के प्रति? आशंका तो है सर जी, आज
सुबह सूचना मिली गांव ग्रामवासियों से कि एक आदमी फांसी लगा लिया है और नज़दीक में एक स्कूटी खड़ी है घर पे। कहाँ का रहने वाला है? तो स्कूटी के नंबर के आधार पर सर्च करने पर क्यों ऐसा ओ लवन क्षेत्र के जामली गांव का केशव वर्मा होना पाया गया। उनके परिवार वालों को खबर किया गया, परिवार वाले पूरे पहुंच गए हैं, उनके समक्ष पंचनामा कार्रवाई की गई है, पोस्टमार्टम के लिए शव रवाना कर दिया गया। प्रथम जांच में उनके जेब से जो पत्र मिला है उससे वह अपने जीवन का अंत करना लिखा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने फांसी लगा के ही आत्महत्या किया है। परिजनों का भी पत्र देखने के बाद यही कहना है कि राइटिंग भी उन्हीं का है और लिखा भी है, तो उसमें अब कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर कोरापुट उड़ीसा सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान जगदलपुर एयरपोर्ट पर 5 मिनट रुके। यहां उनसे प्रदेश भाजपा का कोई बड़ा नेता मिलने नहीं पहुंचा। डॉक्टर रमन विक्रम उसेड़ी धर्मलाल जैसे चेहरे नदारद रहे। बस्तर भाजपा के नेता किरण देव ने बताया कि सिर्फ बस्तर इलाके के नेताओं के नाम भेजने कहा गया था। 15 में से 8 को ही पीएम से मिलने का मौका दिया गया है। यहां पीएम से मिलने वालों में बस्तर सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना आदि शामिल थे। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। बात करें कोरबा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत की, तो वह भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। कांग्रेस इस नामांकन दाखिले के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। उनका पर्चा दाखिल करने खुद सीएम भूपेश बघेल शहर पहुंचे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जत्था शहर पहुंच रहा है। ज्योत्सना महंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह से डॉक्टर चरणदास महंत ने हमेशा से कोरबा और यहाँ की जनता की सेवा की है, उनका भी प्रयास होगा कि वह श्री महंत की तरह ही कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि वह डॉक्टर महंत के कामों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगी। श्रीमती महंत ने कांग्रेस को विजयी बनाने के साथ ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का भी आह्वान वहाँ मौजूद जनसमूह से किया। सरल स्वभाव से, सरलता से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता बनके अपने मतदाताओं के पास अभी सभी कांग्रेस भाइयों को लेके जाऊंगी और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मतदाता मेरे हैं, कार्यकर्ता मेरे हैं। जहां इतने लोग खड़े हों वहां मुझे कुछ कहने की आवश्यकता। यहां के भाजपा प्रत्याशी आपको बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं, इस पे क्या कहना? देखिए ऐसा है, मैं तो बहू हूँ सारा गाँव की, छत्तीसगढ़ की, और ऐसा होता ही नहीं है कि बहू तो हमेशा बाहर से आती है। ये जगत जाहिर है और उसको अपनाया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ की नहीं हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ में आके तो मैं यहाँ की महान जी की पत्नी हूँ और आज नहीं तो 37 साल हो गए हैं, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। प्रत्याशी के रूप में श्रीमती ज्योत्सना महंत जी ने नामांकन भरा और आज यहाँ बड़ी सभा को भी संबोधित करने का अवसर मिला है। बहुत ही उत्साह है लोगों में और पिछले समय थोड़े से चूक गए थे, इस समय उस सभी कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि इस समय कोई चूक नहीं होगी और भारी बहुमत से ज्योत्सना महंत जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 जो चुनाव हुआ 3/4 बहुमत से जीते भारतीय जनता पार्टी, केवल 15 सीट। इसके पहले के चुनाव आप देखेंगे कि 2004, 2009 और 2013 जिसमें हम लोग 37, 38, 39 सीट जीते थे, लेकिन जब लोकसभा हुआ तो 10-1 के अंतर से हार गए थे। परिस्थितियाँ अब और बदली हुई है, जिसकी सरकार बनती है उसे के लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी हमने परंपरा देखी है। तो चौकीदार चौकीदारी करनी थी, वो चौकीदार तो उन्होंने की नहीं, बल्कि जो चोर है उसे भगाने में सहयोग किया। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों धार्मिक आयोजनों से एक अलग ही धर्ममय माहौल देखने को मिल रहा है। बात करें करतला विकासखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में बसे गांव की, तो यहां अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों से समूचा इलाका धार्मिक हो उठा है।
दवापारा और तिलाई भाटा में अखंड नौधा रामायण पाठ के बाद सलिहा भाटा में इन दिनों श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में बड़ी संख्या में प्रवचन सुनने ग्रामीण पहुंच रहे हैं। यहां पंडित फुलेश्वर तिवारी के मधुर वाणी से ज्ञान यज्ञ में प्रवचन लाभ लेने देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ प्रांगण में देखी जा सकती है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तिलेश्वर प्रसाद तिवारी है। कहाँ से महाराज आप? मैं बिलासपुर जिला ग्राम सागर से हूँ जी। महाराज, ग्राम पंचायत सलेमठ में किसके यहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हो? ये हमारे जजमान बसंत कुमार श्रीवास जी हैं जी। ये सज्जन पुरुष श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन करवा रहे हैं जी। अभी कहाँ कहाँ से सुनने के लिए लोग आते हैं? अब बहुत दूर दूर से सुनने के लिए श्रद्धालु आए हैं जी। कोरबा से, बरपाली से, कुमान से, तो यहाँ आसपास के गांव लोग के लोग मतलब बढ़िया से आ रहे हैं। और महाराज जी, कथा में अभी श्रवण क्या को करवा रहे हैं? अभी क्या चल रहा? अभी कपिल देव महाराज द्वारा सांख्य शास्त्र का उपदेश है, इसमें ज्ञान कथा जो है अभी चल रहा है। ये आज वैसे दूसरा दिन है जी, और ये 30 तारीख तक चलेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। और आप देख रहे हैं INN24। दुपट्टा कलेक्शन, नया शोरूम, नए अंदाज में नया कलेक्शन, नई उमंग के साथ आपकी सेवा में। कोरबा शहर का एकमात्र पाम मॉल में नए शोरूम में हो रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। हमारे यहाँ नई वैरायटी, नया कलेक्शन, शरारा, गरारा, लहंगा चुन्नी, ड्रेप साड़ी, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, इवनिंग गाउन, फैंसी कुर्तियाँ, सूट पीस, वन पीस इत्यादि की विशाल रेंज किफायती दर पर उपलब्ध है। हमारा पता, फर्स्ट फ्लोर पाम मॉल कोरबा। मोबाइल नंबर 8109568426 और 7828633778। मुरली केक एंड बेक, आपका जाना पहचाना नाम। शुद्धता और स्वाद का अचूक मिश्रण, स्वाद ऐसा कि रिश्तों में भर दे मिठास। आपका विश्वास ही हमारी कामयाबी है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण एवं थोक व चिल्हर विक्रय किया जाता है। ड्राई केक, कपकेक, पेस्ट्री, बर्गर बेस, पिज्जा, बिस्किट, कुकीज, मिल्क ब्रेड, बटर ब्रेड, फ्रूट केक, आलू पेटीज, पनीर पेटीज, टोस्ट। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, आपके कार्यक्रमों में 4 चांद लगाए। ऑर्डर पर अपनी पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक किसी भी डिजाइन एवं साइज में उपलब्ध है। हमारा पता है बिलासपुर रोड, गोपाल पेट्रोल पंप के आगे कटघोरा। मोबाइल नंबर 8462825855।